गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज हम आप लोगों को ले चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ, जो क्लास नाइन्थ से बेसिक स्टार्ट होता है इसका, यानी जो उपज है पीरियोडिक टेबल की वो क्लास नाइन्थ से है। फिर टेंथ में पूरी पीरियोडिक टेबल आ जाती है, जिसमें केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को पढ़ना होता है। लेकिन अब जिसमें आप सोचने वाली बात है कि जिसमें सात पीरियड हो, कितने सात पीरियड, मतलब ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो इस सब जिसमें सात पीरियड हों अकेले और 18 ग्रुप हों, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। तो 18 ग्रुप और इस तरीके से सात पीरियड होते हैं टोटल इसमें पीरियड टेबल में, ठीक है ना। तो इनको लर्न कैसे किया जाए, तो लर्न करने के लिए आपको, आप लोगों के लिए एक मैंने हिंट तैयार किया है। तो पहले चलते हैं एस ब्लॉक के पास। तो उससे पहले चीज़ समझ लो क्या, कि जो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप है, इन दोनों को मिला के कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या? एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट यानी एस वर्ग के तत्व। तो ग्रुप वन, ग्रुप टू में केवल एस ब्लॉक के तत्व आते हैं। इसमें इसमें जितने भी तत्व एलिमेंट हैं उन सब की प्लस वन चार्ज रहेगा, और जितने प्लस टू के वर्ग हैं उसमें प्लस टू चार्ज रहेगा। तो ग्रुप नंबर वन में प्लस वन चार्ज सब पे रहेंगे, और ग्रुप नंबर टू में प्लस टू सब पे रहेगा। अब देखते हैं कैसे रहेंगे, उसको ले चलते हैं हम लोग इस तरफ। तो ये एस ब्लॉक है, तो मतलब ये जो पीरियड टेबल थी हमारी, एस ब्लॉक जिसमें सभी मेटल है और सबके पास जो पहला ग्रुप उन पे प्लस वन चार्ज है, दूसरा ग्रुप उस पे प्लस टू चार्ज है, ठीक है, ये ग्रुप नंबर है, ठीक है। तो पहले ग्रुप के एलिमेंट है हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। याद कैसे करेंगे, सिर्फ हिंट बोल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा, केवल हिंट। कैसे याद करेंगे पहले ग्रुप एलिमेंट के, ह ली ना की रब से फरियाद। तो जो ग्रुप वन में एलिमेंट आने वाले हैं वो कौन कौन से, हा फॉर एच, ली फॉर एल आई, एन ए फॉर ना, के फॉर के, रब फॉर आर बी, से फॉर सी एस, और फरियाद मतलब एफ आर। तो हलीना की रब से फरियाद, ठीक, ये नंबर है, वो टोकन नंबर है, वो बाद की बात है। ऐसे ग्रुप सेकेंड में बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजे, ठीक है। बेटा मतलब बी ई, मांगे मतलब एम जी, कार मतलब सी ए, स्कूटर मतलब एस आर, बाप मतलब बी ए, और राजी मतलब आर है। तो ये हमारे हिंट हो गए किसके, ग्रुप वन और ग्रुप टू एलिमेंट की याद करने के हिंट, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, उससे पहले आप एक चीज़ रख लो, आपको केवल ग्रुप वन देखना है, यानी ग्रुप वन और टू देखना है, जिन्हें एस ब्लॉक कहते हैं, और 13 से लेके 18 तक कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। केवल आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक देखने हैं, मतलब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो एस ब्लॉक कहे जाते हैं। हिंट आपको बता दी मैंने, पहले वाले ग्रुप की हलीना की रब से फरियाद, दूसरे वाले ग्रुप की है बेटा मांगे कास्टर बाप राजीव। और फिर 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप आते हैं इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या क्या? 13 से 18 पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करोगे तो उस समय लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा, इसलिए। तो अब 13 से 18 ये ग्रुप देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है। तो पहला पेज था ये हमारे पी ब्लॉक के, ये थे एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के पहले जो देख लिए, ये आपको देखना नहीं है कि वो डी ब्लॉक है, ये 12th का है, अभी सिर्फ पी ब्लॉक देखना है हम लोग को। तो पी ब्लॉक पे आते हैं, ये रहा हमारा ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बैगन, आलू, गाजर, इनको तलो, ठीक, याद करने के समझ में आ गई ना आपको, बैगन, आलू, गाजर, इनको तलो, ठीक। इनके जब इनको निकालोगे तो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे 5 एटम नंबर है ना, तो 2 और 3, तो ये 3 लास्ट में 3 बचे ना, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो जब हाइब्रिडाइजेशन करोगे ना तो वहाँ हेल्प होगी। ग्रुप नंबर 14 में का, सी, गए, सन की, पंडित। क्या? का, सी, गए, सन की, पंडित।
ठीक, कैसे? का सी गए सन की पंडित, ठीक है ना। इन सब पे कितना चार्ज रहेगा? +4, ठीक। कितना रहेगा? +4। और बैलेंस कितनी रहेगी? 4। वी की वैल्यू 4 रहेगी। बस अगर कुछ बस इतना याद कर लो, चार्ज और वी की वैल्यू 4। ग्रुप नंबर 15, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक। वो नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक। ये है ग्रुप नंबर 15 की हिंट। किसकी? ग्रुप नंबर 15 की हिंट, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इनकी वी की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। चार्ज -3। 16 ग्रुप, 16 ग्रुप है ओ सा से टी पो, ओ सा से टी पो, ये कौन से एलिमेंट है 16 ग्रुप के? ओ सा से टी पो, ठीक। हिंट हो गई, इनमें पहले इलेक्ट्रॉन लास्ट में 6 बचेंगे। 17 ग्रुप, फिर कल बाहर आई आंटी, कौन सा ग्रुप? 17, जिन्हें हेलोजन ग्रुप कहते हैं, सॉल्ट ग्रुप कहते हैं। तो क्या ट्रिक है? फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक। नेक्स्ट, हीना और करीना जिंदा रहना, ठीक। तो हीना और करीना जिंदा रहना, ये 18 ग्रुप के, जिनकी वैलेंस 0 होगी। टोटल 7 पीरियड और टोटल 18 ग्रुप। तो इस हिसाब से हमने हिंट देख ली। एस ब्लॉक में जो थे, ह ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इनको तलो, काशी गए सन की पंडित, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ओ सा से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, हिना और करीना जिंदा रहना। तो इस हिसाब से हमने मॉडर्न पीरियड टेबल कंप्लीट कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है? ओके, ठीक है बेटा, ऐसे याद कर लेना और आगे देखना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, और काफ़ी है आज के लिए इतना। यस ब्लॉक के 2 ग्रुप और पी ब्लॉक के 13 से लेके 18 ग्रुप। थैंक यू क्लास।